सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, अपना संडे टॉपिक पूरा हो गया था, इसके बाद में आज अपन नया टॉपिक लेकर के आए, समास। अब समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार का होता है, इनको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसे पढ़ लेते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है। संधि का मतलब होता है कि दो वर्ण परस्पर मिलते हैं उन्हें संधि कहते हैं। वर्ण यानी दो वर्ण, सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ये दो वर्ण अगर परस्पर मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। अगर वर्ण की जगह पूरा का पूरा ही पद मिल जाए, पद यानी पूरा का पूरा ही शब्द मिल जाए या पद मिल जाए तो फिर वहां पर समास होगा, ना कि संधि होगी। यानी समास और संधि में बस मात्र अंतर इतना ही है कि समास में तो पद मिलते हैं यानी पूरा का पूरा ही पद मिलेगा, और संधि में सिर्फ जो अंतिम वर्ण है और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है वही मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं समास में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी उपसर्ग है। समास जो शब्द है, ये जो समास शब्द है इसमें कौन सी उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखो यहाँ पर उपसर्ग को देखते हैं तो यहाँ पर देखो आगे स आया हुआ है, तो स तो कोई उपसर्ग होती ही नहीं है। इसके पीछे वाला देखो म आया हुआ है, तो अपन को यहाँ पर पता चल गया कि सम तो उपसर्ग है। पीछे विसर्ग आया हुआ है और पुल्लिंग में चल रहा है और अशेष है, तो फिर यहाँ पर घ पड़ते हैं और जो बचा हुआ है अस वो धातु है। तो यहाँ पर देखो समास शब्द में सम उपसर्ग है, अस धातु है और घ प्रत्यय है। उपसर्ग आगे जुड़ती है और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, धातु बीच में रहती है। अगर धातु के पीछे जुड़ा हुआ है तो वो प्रत्यय है, धातु के आगे जुड़ा हुआ है तो वो उपसर्ग है। तो पदच्छेद करने के बाद में अपन इसकी परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषा में कहा गया है एक पदीभवनम समासः, जिसका एक पद हो जाता है वो समास कहलाता है। यानी अगर इसको हिंदी अर्थ में लेकर के देखते हैं, इस पूरे परिभाषा को जो ये संस्कृत में दी गई परिभाषा है इसके वो हिंदी में लेते हैं, तो हिंदी में देखो दो या दो से अधिक पद का मिलना ही समास होता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपन, दो या दो से अधिक पद का मिलकर के एक हो जाना ही समास कहलाता है। परिभाषा समझ गए। इसके बाद में इसमें कुछ नियम चलते हैं, वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, जब अपन समास पढ़ेंगे तो आसानी रहे। उसके बाद पहला नियम है इसमें कि समास किनके मध्य होगा। समास जिनके मध्य होगा वो निश्चय ही शब्द रूप होगा, यानी सुबंत होगा, जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगे होंगे। तो आप देखो सुप प्रत्यय तो पढ़ लिए अपन ने, संधि में भी पढ़े थे, कुछ देखे थे कि कौन सा सुबंत होता है, कौन सा तिगंत होता है, तो वहां पर भी बताया था मैंने आपको सुबंत और तिगंत के बारे में। एक बार और बता देता हूं कि सुबंत जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगे हुए हो उसे सुबंत कहते हैं। यानी सुबंत को अपन सीधे सीधे भाषा में बोल सकते हैं शब्द रूप बोल सकते हैं। यानी शब्द रूप के साथ इन दोनों का ही मिलना समास होता है। अब आप देखो यहां पर एक और प्रतिदात तिगंत, यानी अगर तिगंत प्रत्यय आ गया बीच में, जैसे एक सुबंत पद आ गया और एक तिगंत पद आ गया, तो फिर वहां पर वो मिलना समास वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में मिल ही नहीं सकते, वहां पर तो फिर वाक्य बन जाएगा वो। तो यहां पर सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होगा, ना कि सुबंत और तिगंत के साथ समास होगा। तिगंत के साथ भी नहीं होगा, मात्र सुबंध का सुबंध के साथ ही समास होगा। इसको आप ऐसे कैसे लिख लो, और इस सुबंध के कोष्टक में लिखना आप शब्द रूप लिख लेना, ताकि आपको पता रहे। शब्द रूप इस सुबंध के कोष्टक में लिख लो, यानी शब्द रूप का शब्द रूप के साथ ही समास होता है। अब देखो यहां पर जब समास होता है, अपन ने समास का पहला नियम पढ़ लिया कि सुबंध के साथ सुबंध का ही समास होता है।
तो दूसरा नियम देखते हैं, इसमें दो पद आते हैं, एक तो प्रथम पद, एक उत्तर पद। एक तो प्रथम पद आता है और एक उत्तर पद आता है, इन दोनों पदों का मिलना ही समास कहलाता है। अब प्रथम पद किसे कहेंगे? जो फर्स्ट में आया हुआ हो, और उत्तर पद किसे कहेंगे? जो बाद में आया हुआ हो। तो प्रथम पद और उत्तर पद अपन यहां पर बार बार कहेंगे कि जैसे किसी समास का उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान का मतलब उत्तर पद वहां पर प्रधान कहलाएगा, यानी उत्तर पद कौन सा है? तो बाद वाला पद को ही उत्तर पद बोलते हैं, और जो पहला पद आया हुआ है, जो पहला पद है, उसे ही प्रथम पद बोलते हैं। इसके बाद में आप देखो तीसरे नियम में समासिक पद और समास विग्रह। ये दो नियम भी पढ़ लेते हैं, समासिक पद किसे कहेंगे और समास विग्रह किसे कहेंगे। जैसे आप कहो कि राजा का पुत्र, ये देखो आप, ये राजा का पुत्र। अब इसमें समास करके अपन जो यहां पर ये तीन शब्द है, इसको एक शब्द में ही बोल देते हैं, राजपुत्र। अब ये क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि जो ये सारा पद है, ये इतना बड़ा पद है, इसको संक्षिप्त करण ही समास कहलाएगा, संक्षिप्त रूप में बोलना ही समास कहलाएगा। जो जन्म नहीं लेता उसे अजन्मा बोलते हैं, जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोलते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका एक पद यानी उनको संक्षिप्त करण कर दिया, उनको बहुत ही छोटा करके बोल देते हैं और अपन समझ जाते हैं, इसे का ही इसी को ही समास बोलते हैं। अब सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद होता है जो विस्तृत रूप है, जिसको अपन जो विस्तृत रूप है उसको छोटा करके बोला। जैसे यहां पर सामासिक पद है राजपुत्र, ये जो राजपुत्र है वो सामासिक पद, यानी ये तो बड़ा वाला है, बड़ा पद है। अब इसको जो छोटा करके, इसको संक्षिप्त करके जो बोला जाएगा उसे सामासिक पद कहेंगे, यानी राजपुत्र क्या है? सामासिक पद। वहां पर आपको पूछ लिया जाए कि राजा का पुत्र का सामासिक पद बना करके लिखिए, तो फिर आप राजा का पुत्र का सामासिक पद कैसे बनाओगे? इसको छोटा करके और एक निश्चित अर्थ, जो सार्थक अर्थ है, जो सार्थक शब्द है, जो शुद्ध शुद्ध अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसी के अर्थ को प्रकट कर रहा है, उसको बनाना ही सामासिक पद है। अब समास विग्रह, तो समास विग्रह आप जान गए, इस सामासिक पद को खोल करके लिखना यानी बड़ा करके लिखना समास विग्रह कहलाता है, यानी जो बड़ा वाला पद होता है वो समास विग्रह होता है, और जो सामासिक पद होता है वो छोटा पद होता है। इसे नोट कर लो, समास पद में राजपुत्र लिखना और समास विग्रह पद में राजा का पुत्र लिखना। अब देखो चौथे नियम में पढ़ते हैं अपन, संस्कृत में जब समास पढ़े जाते हैं तो जब सामासिक पद बनाया जाता है तो जो समास विग्रह में जो विभक्तियां आती है तो उनका लोप हो जाता है, यानी यहां पर लिखेंगे अपन समस्त पद बनाते समय, समस्त पद या सामासिक पद बनाते समय विभक्तियों का लोप कर देते हैं। जो समास विग्रह में जो विग्रह पद है उसमें जो जो विभक्तियां आई हुई है, तब अपन उसको एक पद बना रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं या सामासिक पद बना रहे हैं, तो फिर वहां पर विभक्तियों का लोप हो जाएगा। जैसे
जैसे देखते हैं गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, गंगाया समीपम। अब यहां पर गंगाया शब्द में विभक्ति है, समीपम में भी है। तो अब जब अपन ये तो हुआ अपना समास विग्रह, अब इसका समस्त पद बनाएंगे। तो जो बीच में जो विभक्तियां आई हुई है, इन विभक्तियों के माध्यम से ये बड़ा हो रहा है, गंगा के समीप, गंगा के समीप। तो यहां पर जो विभक्तियां आई हुई है वो समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो जाएगा, और समीप के अर्थ को उप उपसर्ग है वो उप उपसर्ग निर्धारित करेगी, और गंगाया गंगम, उप गंगा। यहां पर देखो जो उप गंगा है, अब यहां पर विभक्तियां आई हुई है, तो अब इनका विभक्तियों का लोप करके एक पद बना दिया, उसे समस्त पद कहेंगे, और समास विग्रह में जो विभक्तियां आई हुई है उनका लोप हो जाएगा और एक समस्त पद बन जाएगा। यानी संस्कृत में जो समास चलेंगे उनका समास विग्रह में तो विभक्तियां लगाएंगे और समस्त पद बनाते समय उन विभक्तियों का लोप कर देंगे। इसके बाद में देखो, इसे नोट करो पहले, अपन नियम पढ़ने के बाद में अब उनके समास के जितने भी प्रकार है उनको देखते हैं। तो संस्कृत में पांच प्रकार के समास दिए गए हैं। तो अब यहां पर देखो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के द्वे, समास के द्वे, समास कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो आप उनके कितने प्रकार है, तो समास पांच प्रकार के होते हैं। अपनी जो संस्कृत है उसमें समास कितने प्रकार के बताए गए हैं, पांच प्रकार के बताए गए हैं। अब समास पांच प्रकार के कौन कौन से हैं, तो पहला समास है केवल समास, इसका आप पहली बार नाम सुन रहे हो, केवल समास, जिसका निर्धारण नहीं किया गया वो किसमें आ जाएगा, केवल समास में आ जाएगा। दूसरा समास है अव्ययीभाव समास, तीसरा समास है अपने पास तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, चौथा समास है अपने पास बहुव्रीहि समास, और पांचवा समास है अपने पास द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये पांच प्रकार के समास है। अब देखो इनमें कौन कौन से पद प्रधान होते हैं, इसको समझने से पहले आप इन्हें नोट कर लो। अब यहां पर प्रथम समास है अव्ययीभाव समास, उसको लेकर के आए हैं, उसको समझते हैं। अव्ययीभाव समास कहां पर होता है, तो अब यहां पर देखते हैं सीधे ही अव्ययीभाव समास की परिभाषा पर चलते हैं। अव्ययीभाव की समास की जो परिभाषा है उसमें कहा गया है कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद यहां पर क्या आया हुआ है, प्रथम पद, तो जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी यहां पर दो, जब दो पद मिलेंगे तो उसमें से जो प्रथम पद है जिसकी जो जो आगे वाला पद है उसकी जी प्रधानता कहलाती है, तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है। अब यहां पर देखो परिभाषा में यही है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है यानी प्रथम पद प्रधान होता है, जो पहला वाला पद है वो प्रधान होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब यहां पर देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है अव्ययी, यानी जो पहला वाला पद है पूर्व पद है उसमें नीचे ही अव्यय मिलेगा आपको। अव्यय का मतलब जो लिंग विभक्ति काल पुरुष इनमें समान एक जैसा ही रहता है, इनका किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। अव्ययों में मुख्य रूप से उपसर्ग भी आती है, क्या आती है, उपसर्ग। उपसर्ग का भी
सभी कालों में एक समान रहता है रूप, जैसे प्रउपसर्ग है। अब प्रउपसर्ग में स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही रहेगा, पुल्लिंग में भी ऐसा ही रहेगा, नपुंसक लिंग में भी ऐसा ही रहेगा। प्रथमा विभक्ति में भी इसका रूप ऐसा ही रहेगा, द्वितीय विभक्ति में भी यही रहेगा, तृतीय विभक्ति में रहेगा, यानी सभी विभक्तियों में एक ही रूप रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो अव्यय दे रखा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम पद क्या है, अव्यय, इसकी प्रधानता को ही अव्ययभाव समास कहलाता है। इसका सामान्यतः प्रथम पद अव्यय रहता है, अव्यय होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय यहाँ पर किस रूप में रहता है, तो अव्यय उपसर्ग के रूप में होता है। अगर आपको समस्त पद में अगर अव्यय दिखाई दिया या उपसर्ग दिखाई दी, तो फिर आप वहां पर निश्चय रूप से कौन सा समास लगाओगे, अव्ययभाव समास लगाओगे। यह नित्य नपुंसक लिंग में चलेगा, जब समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद, तो समस्त पद किसमें बनेगा, नपुंसक लिंग में बनेगा, जो इसका समस्त पद है वो नपुंसक लिंग में बनता है। तो एक पहचान तो ये हो गई अपने पास अव्ययभाव समास की, और एक पहचान ये है अगर आगे उपसर्ग है, उपसर्ग लगी हुई है किसी पद के, और पीछे आम या नपुंसक लिंग में आप जैसे भी फलम फले फलाने, तो आप जैसे किसी के रूप बोलते हो नपुंसक लिंग के, तो अगर उसके अनुसार पीछे वाला पद आया हुआ है, पीछे वाला जो वर्ण है वो नपुंसक लिंग में है, तो फिर वहां पर निश्चय रूप से अव्ययभाव समास होगा। अब अव्ययभाव समास कहाँ कहाँ पर होता है, तो अव्ययभाव समास 16 जगहों पर निश्चित रूप से होता है। अब वो 16 जगह कौन कौन सी है इसे देख लेते हैं, इसे नोट कीजिए पहले। इसे नोट करने के बाद में आप देखो इसके आगे कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद।